इराक की एक अदालत ने देश के भगोड़ा उपराष्ट्रपति तारिक अल हामेशी को सुनाई है फांसी की सजा। अदालत ने अल हामेशी को मौत की सजा, वकील और सरकारी कर्मचारियों की हत्या का मास्टरमाइंड मानते हुए सुनाई है। बड़ी अदालत में अपील करने के लिए अल हाशेमी के पास 30 दिन का समय है। फिलहाल अल हाशेमी ने तुर्की में शरण ले रखी है और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। अल हाशेमी को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद रविवार को सीरियल बम धमाकों से दहल गया इराक। इराक के कई शहरों में हुए धमाकों में 100 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। अब तक इन बम धमाकों की जिम्मेदारी किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है।